अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल जिंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूं खुश आमदीद। और आज की गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पहले व्लॉग में कि मेरा दुपट्टा गुम गया ईद का, वो अक्सा ने 10 चक्कर लगा दिए थे और दुपट्टा मिलने को ही नहीं आ रहा था। लेकिन यह कि फाइनली रात को भी मैंने पूछा अक्सा से, और अक्सा मुझे यही कह रही थी कि नहीं मिले नहीं मिले। और मैं बड़ा डिसहार्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि दुपट्टे गुम कैसे सकते हैं, हमारी ईद ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि हमने रोज़े रखे हैं। तो लपक मतलब कि नहीं नहीं रोज़े रखे हैं तो उसमें ये थोड़ी है कि सिला दे में देंगे, लपक ज़रूरी थोड़ा है, तो वो तो वैसे ही हम बिला गर्ज के रखते हैं। तो बाकी मुझे ये लग रहा था कि नहीं नहीं अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे, मतलब कि दुपट्टे नहीं गुम हो सकते। तो यही हुआ, अक्सा पहले कहती है नहीं मिल रहे, बाद में कहती है मिल गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें साथ प्रैंक करी थी। तो लेकिन ये कि उसने काफ़ी ज़्यादा ना प्रेशराइज़ किया जाके दुकान वाले को, अपने भाई के साथ गई 10-20, उसने कितने चक्कर लगाए जाके, फिर कहीं जाके उस दुकान वाले ने ढूंढ के दिए दुपट्टे। खैर ये शुक्र है कि मिल गए। अब दूसरा ये है कि आज संडे है, लेकिन संडे वाली फ़ील आ नहीं रही है क्योंकि संडे को भी जो है ना हमारे घर वाले जो मतलब मर्द हजरात हैं ईद के दिनों में वो जाते हैं शॉप पर, वरना आगे पीछे वो संडे को होते हैं घर। तो आज ना बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि संडे को भी सब ही गए हुए हैं शॉप पे, अफ्तारी भी उनकी वहीं पे हो रही है शॉप वगैरह पे। सो अभी है कि मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ना अपसेट हुई हुई थी कल सारा दिन, तो लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी था व्लॉग मैंने बनाया था। लेकिन आज भी अब क्या टाइम हो रहा है, 9 बज गए, रात के 9 बजे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जो रूटीन है उसकी अम्मा और बहन जो है वो एक हो चुके हैं। आज भी मैं 3 बजे सो के उठी थी, सुबह 7 बजे मैं सोई थी, सारी रात जाग के ये काम किया था घर रह के। बस ये है, जॉब करने का फ़ायदा ये है, सबसे बेहतर जो फ़ायदा है ना, बेस्ट फ़ायदा यही होता है कि ज़िंदगी रूटीन बहुत सेट हो जाती है। वरना जॉब के बगैर ना मेरी रूटीन का मुझे सबसे ज़्यादा इशू होता है कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं सर से रात जागती हूँ और बिला वजह जागती हूँ। तो बाकी ये है कि अब रूटीन तो ऐसे ही रहेगी, मुझे लगता है जितनी मर्जी कोशिश कर लो घर रह के रूटीन सही नहीं हो सकती है। सो अभी मैं ये करने लगी हूँ कि अभी मैं करने लगी हूँ अपने फेस पे ब्लीच, क्योंकि आज 28वीं रात है और जो है ना मैं ये इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ताक रात ना हो, क्योंकि ताक रात में मेरी कोशिश होती है कि इबादत में ज़्यादा टाइम गुजरे इन चीज़ों से हट के। और ना मेरी कोशिश ये भी होती है कि ताक रातों में मैं बाज़ार का भी चक्कर ना लगाऊँ, क्योंकि फिर इससे टाइम वेस्ट होता है, फिर इबादत नहीं हो पाती है बंदे से। सो इसलिए आज 28वीं है और पता नहीं कितने रोज़े होते हैं, 29 होते हैं 30 होते हैं, तो ये एंड पे ही पता चलता है। खैर अब मैं करने लगी हूँ ब्लीच, मैं ब्लीच लेके आई हुई हूँ, गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश है एक्चुअली, वो ही मैं करती होती हूँ, पॉलर नहीं मैं जा रही। बड़े बड़े हाई रेट्स हुए हुए हैं, सो हम जो है ना पैसे बचाते हैं और करते हैं ब्लीच। सुन रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे सोफों के छाड़ उतारे हुए थे, धो लिए हैं, अब ईद आ गई है ना तो ये छाड़ इतने गंदे हो रहे थे, तो अम्मी अभी सिलाई कर रही है। अम्मी इसको दोबारा सिलाई करती हो? नहीं, इसका थोड़ा सब खुला हुआ था। अच्छा उधरा हुआ था तो अम्मी इसको सी रही है और यहाँ पे ये गद्दी रख दी है इसकी मैं स्कीम बताती हूँ। नहीं नहीं ये थोड़े से बैठ रहे थे इसलिए गद्दी रख दी। चलो खैर गाइस रहे मेरे साथ। जी तो इसको मैं कर लिया है मिक्स अच्छी तरह से, और पाउडर जो है वो अम्मी से मैंने पूछे बगैर डाला, पता नहीं ज़्यादा ना डल गया होगी ना बाद में पिचिंग शुरू हो जाए। लेकिन खैर अब इसको हम करते हैं अप्लाई। पहले मैं अपने बालों को ना राउंड राउंड करके बांध लूँ, नहीं तो मुँह पे आएंगे। चलो खैर इसको हम रखते हैं यहाँ पर। हाँ और आप लोगों ने तो कोई क्वेश्चन लिंक करनी नहीं होती, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, खुद ही हम बातें कर लेते हैं। अब कुछ तो बात करनी है ना। अभी है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फेवरेट व्लॉगर कौन है, क्योंकि मैं खुद भी व्लॉग्स बनाती हूँ। तो हाँ, तो मेरा फेवरेट व्लॉगर मतलब जिसका मैं कोई भी व्लॉग जो है ना वो कभी भी मिस नहीं करती, वो है डकी भाई क्योंकि वाह क्या चॉइस है तुम्हारी। क्योंकि काफ़ी लोग जो उसको है ना वो पसंद नहीं करते उसकी गालियों की वजह से, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्यों इतना पसंद है जिसको हद नहीं। और जब से वो रोस्टिंग करता है ना तब से मैं उसके व्लॉग्स इतने शौक से देखती हूँ जिसको इंतहा नहीं है।
तो मुझे इंतज़ार होता था जब वो रोस्टिंग वीडियोस लगाता था ना, मतलब काफ़ी हंसी आती थी तब भी देख के। तो मुझे इंतज़ार होता था कि कब इसका व्लॉग आएगा और कब मैं देखूँगी। और अब भी मैं ना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, उसके व्लॉग्स ना काफ़ी फ़नी होते हैं, हालांकि जो जान की चुस्सियाँ उसने मारनी होती हैं लेकिन ये है कि अच्छा लगता है, उसका कंटेंट बोरिंग नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, हाँ क्या करने लगे, साथ साथ बातें करते हैं। ओ माय गॉड, मेरी आंखों में एकदम से ना जलन हो रही यार, पानी आ रहा है आँख में तो नहीं चला गया एकदम। यल्ला खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मुझे चुप करके ये अप्लाई करनी चाहिए बजाय बातें करने के। मैं अप्लाई कर लूँ शीशे में देख के, क्या हो गया आँख में, पता नहीं क्या हुआ एकदम से आँख में पानी आना शुरू हो गया। खैर मैं अब एहतियात से लगाती हूँ। ये ब्लीच वो है कि ये लगा के ना बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होता है, जलती ज़रा भी नहीं है, लेकिन आँख में मेरे पता नहीं क्या वर्ड। अच्छा खैर दूसरी बात मैं ये कहने लगी थी, हाँ वो सिस्ट्रोलॉजी के भी मैं व्लॉग्स देखती हूँ कभी कभी, तो उनको देख के मुझे ये होता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती तो मैं उसके साथ बाहर चली जाती कभी घूमने, जब दिल करता बाज़ार जाती। सो बहन ना होने की थोड़ी थोड़ी कमी मुझे महसूस होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सब हैं ना मेरी बहनें, आप सबको मैंने बना लिया मेरी बहन। सो बहनों की तरह आपने मुझे ट्रीट करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है फीडबैक का इजहार लाजमी करें, बन जाए मेरी बहनें प्यारी प्यारी। और भाई भी नहीं, खैर भाई मेरे हैं माशाल्लाह से तीन, तो खैर अब हम इसको अप्लाई करते हैं। हाँ उस एस्ट्रोलॉजी के वो पिछले दिनों उसने व्लॉग जो लगाया हुआ था ना कि मैं यूट्यूब क्यूट कर रही हूँ, और पहले उसने वो लगाया हुआ था, स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो ना मेरे दिल में बड़ा हुआ, एक लोग देख रहे होते हैं ना उनको तो एक फैमिली कनेक्शन ही बन जाता है। तो मैंने दिल में बड़ी दुआएं भी की कि अल्लाह अल्लाह खैर करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो, लेकिन जब उसने ये चुस मारी ना तो मुझे कसम से बड़ा गुस्सा आया। ये ना लोगों के जज्बात के साथ खेलने वाली बात है यार, ये खिलवाड़ है खुले आम लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी आंखों से क्यों इतना पानी आने लग गया, मैं इसको अप्लाई कैसे करूं? खैर गाइस मिलती हूँ इसको अप्लाई करने के बाद। फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद, पंखा मैंने बंद किया नहीं है, पंखे का शोर आ रहा होगा। सो बड़ी मुश्किलों के बाद ना आंखें मेरी खुली है, खुली नहीं रही, पता नहीं क्या पानी आ ही जा रहा था, कभी किए नहीं है इस तरह के केमिकल्स वाले फैशन, बहुत कम करती हूँ। सो गाइज़ आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है, और आपने लाजमी कमेंट करना है, लाजमी मुझे बताना है, मैं भी देखूँ ज़रा कौन है ज़्यादा मशहूर व्लॉगर आप लोगों के लिए। सो अभी मैं ना पेट पूजा कर लूँ साथ साथ ताकि टाइम जल्दी गुजरे। तो अभी मैं इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। दुआ में रखिएगा याद, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। अल्लाह हाफिज़।